हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे स्प्रिंग एमयूसी इस प्रोजेक्ट में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस इन जेएसपी पेजेस पर। तो हम चलते हैं इक्लिप्स आईडी पर। ओपन होने के बाद यहाँ हमने एप्लीकेशन ए स्प्रिंग एमयूसी का प्रोजेक्ट हमने बनाया है। पिछले वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इस लाइब्रेरी को हमने इसमें इंपोर्ट कर दिया है। तो हमारी जो सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जो इमेजेस हो गए उसकी फाइल जो स्टोर करने के लिए हमें यहाँ एक रिसोर्स का फोल्डर हमें यहाँ बनाना होगा। और उस रिसोर्स में हमें अलग अलग सीएसएस के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए और इमेजेस के लिए हमें अलग से फोल्डर बनाने होंगे। तो हम वेब ऐप पर जाकर न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर को हम नाम देते हैं रिसोर्स और फिनिश करते हैं। और इस रिसोर्स इस फोल्डर में हमें तीन अलग फोल्डर हमें बनाने होंगे। पहला हम बनाते हैं सीएसएस के लिए, जो हमारे सीएसएस फाइल को होल्ड कर सकता है। और एक हम फोल्डर बनाएंगे जो होगा जावास्क्रिप्ट के लिए, और जो कोई भी इमेज हमें ऐड करना हो हमारे वेब पेज पर, हमारे जेएसपी पेज में, तो इसके लिए हमें इमेज फोल्डर हम यहाँ बनाते हैं। और हमें यहाँ जेएसपी हम पेज बनाते हैं, जेएसपी पेज हम बनाते हैं और उसका नाम देते हैं हम वेलकम पेज डॉट जेएसपी। तो हमने यहाँ जेएसपी पेज बनाया है। तो जो बूटस्ट्रैप की हमने यहाँ लाइब्रेरी ऐड कर दी है, जो इस फोल्डर में सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो है इसकी लिंक हमें इस हेड सेक्शन में हमें देनी होगी। तो हम जहाँ से हमने डाउनलोड किया है हमारा बूटस्ट्रैप, तो हमने यहाँ से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर दिया है। तो यहाँ हमें बताया है कि यहाँ जो लिंक है सीएसएस के लिए, तो हम इस लिंक को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। हेड सेक्शन में हम इसे डालते हैं, लिंक है सीएसएस के लिए है वो इस फोल्डर में, बूटस्ट्रैप सीएसएस फोल्डर में जो बूटस्ट्रैप मीन डॉट सीएसएस है इसका पाथ हम यहाँ देते हैं। और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना हो तो जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से लिंक है, उसे भी हम यहाँ ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए जो स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ ऐड करते हैं। तो इसका जो एंडिंग टैग है वो हम यहाँ लगाते हैं। ओके, इस तरह हमने इसका पाथ दे दिया है, सीएसएस का हो, जावास्क्रिप्ट का हो। तो इस तरह हम, और हमें जो सीएसएस की फाइल हमें बनानी हो, इसका पाथ तो हमने दिया सीएसएस जावास्क्रिप्ट का, तो पाथ लिंक और उस लिंक हमने यहाँ हेड सेक्शन में दी है। जो हमारी सीएसएस जो फाइल होंगी वो हम सीएसएस इस फोल्डर में हम उसे स्टोर करेंगे। तो हम उसे क्रिएट करने के लिए, सीएसएस फाइल को क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं न्यू और ऑदर पर, और यहाँ वेब पर जाकर हम यहाँ से सीएसएस फाइल को सिलेक्ट कर देंगे और उसे नाम देंगे स्टाइल डॉट सीएसएस। तो हम यहाँ इस फाइल में हम सीएसएस की कोडिंग कर सकते हैं, जो भी स्टाइल है इस फाइल में हम दे सकते हैं। कि फाइल क्रिएट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू ऑर्डर पर जाकर हम इस विजार्ड में हम टाइप कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, और इस जावा स्क्रिप्ट सोर्स फाइल को सिलेक्ट करके हम यहाँ हम नाम दे सकते हैं स्क्रिप्ट
javascript.js और फिनिश। इस तरह यहाँ हम जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है यहाँ हम कर सकते हैं। हमें इमेज को इस फोल्डर में ऐड करना हो तो हम ने जो नेट से डाउनलोड, यहाँ हमने इमेज को डाउनलोड कर दिया है तो इसे हम कॉपी करते हैं और उस फोल्डर में ऐड कर, और इस इमेज फोल्डर में हम इसे ऐड करते हैं। तो इस तरह हमारे CSS फाइल में CSS फोल्डर में CSS की फाइल हमने क्रिएट की, इमेज इस फोल्डर में हमने इमेज दी और जावास्क्रिप्ट ने हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर दी। तो हम यहाँ इसकी कोडिंग कर सकते हैं CSS जावास्क्रिप्ट की। तो जो इस फोल्डर में हमने इस फाइल को जो हमने क्रिएट की है उसका पाथ हमें welcome.jsp में CSS इमेज और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का रिसोर्स ऐड करना है। तो जिस तरह हमने इस लाइब्रेरी का रिसोर्स हमने यहाँ दिया है उसी तरह हम इसका भी देंगे। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट का देंगे तो हम इसमें इसे कॉपी करके यहाँ लगा कर उस फोल्डर का जो जावास्क्रिप्ट की फाइल JS फोल्डर में है और JS फोल्डर रिसोर्स में है तो हम इस फोल्डर का हम यहाँ पाथ देते हैं डॉट रिसोर्स ब्लिक JS ऑब्लिक स्क्रिप्ट डॉट JS ओके। और फिर हमें इस CSS के लिए हम इसे कॉपी करते हैं और उसका रिसोर्स हम यहाँ देते हैं ऑब्लिक CSS ऑब्लिक और स्टाइल डॉट CSS फाइल का नाम है। और उसी तरह हम यहाँ इमेज का भी हम रिसोर्स यहाँ बॉडी में लगाते हैं तो हमें इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इमेज और उसका रिसोर्स होगा SRC इज इक्वल टू इमेज के लिए /resource/image/school image ka naam school.jpg ओके। इसी तरह हमने इमेज का भी हमने यहाँ टैग लगा दिया है। हम यहाँ और HTML ऐड करते हैं, हेडर में हम कुछ प्रिंट करते हैं वेलकम स्टूडेंट और हेडर को हम CSS अप्लाई कर देंगे। इसकी जो हेडर में हम CSS अप्लाई करेंगे उसकी हम स्टाइल डॉट CSS में उसकी कोडिंग करेंगे और हम एक इनपुट लेते हैं उस पर हम जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे। इनपुट हमारा इनपुट टाइप होगा बटन टाइप का होगा और उसकी वैल्यू होगी क्लिक। क्लिक होने के बाद हमें कुछ अलर्ट मैसेज आएगा, उस वो जावास्क्रिप्ट के जो एक्शन परफॉर्म होगी वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ। और क्लिक ऑन क्लिक यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे मैसेज और इसका फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट में लगा दिया है। तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पर, script.js जावास्क्रिप्ट का यहाँ हमने फंक्शन लिखा है मैसेज का। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पर तब मैसेज कॉल हो जाएगा। तो
इसके लिए जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, उसका भी हमने यहाँ रिसोर्स दे दिया है। और इसमें जो हमने हीडर के लिए, इमेज के लिए, इनपुट के लिए, तो इनपुट के लिए यहाँ हम CSS अप्लाई करते हैं क्लास, और उसकी CSS के लिए हम क्लास देंगे स्टाइल स्टाइल। ओके, और जो इसकी जो CSS है इमेज के लिए, इनपुट जो हमने क्लास स्टाइल दी है हेडर के लिए, तो इसके लिए यहाँ हमने उसकी स्टाइल दे रखी है हेडर के लिए, और जो कॉमन है पैडिंग मार्जिन, इमेज के लिए हम उसकी विड्थ हाइट क्या होगी, और क्लास हमने स्टाइल जो हमने यहाँ क्लास ऐड किए हैं इसके लिए, यहाँ पर हम जो भी स्टाइल हमें लगाना है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट की, CSS की और इमेज की जो रिसोर्स है इसमें हमने ऐड कर दिए है, वेलकम डॉट जेएसपी पेज में हमने ऐड कर दी। ये जो प्रोजेक्ट है हमने स्प्रिंग MUC में बनाया है, तो इसकी मैपिंग हमें देनी पड़ेगी ds-serlet.xml इस फाइल में। जैसे कि इस URL को रिसोर्स से जो स्टार्ट होने वाले URL है, उस URL को हम लोकेशन हमें देना पड़ेगा। तो इसकी मैपिंग करने के लिए हमें स्प्रिंग MUC में उसकी मैपिंग हमें देनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं ब्राउज पर, और यहाँ हम सर्च करते हैं जो हमें स्प्रिंग MUC में मैपिंग करने के प्रोसेस की मैपिंग हमें करनी है। तो हम इसकी मैपिंग के लिए यहाँ हमें बताया है कि एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस URL पैटर्न, यानी कि रिसोर्स से जो URL पैटर्न स्टार्ट होने वाली है उसकी मैपिंग हमें उस फोल्डर को देना। से इसे कॉपी करते हैं इस सिंटैक्स को, MVC रिसोर्स को, और ds-serlet.xml में हम यहाँ लगाते हैं। और जो हमारा फोल्डर है, जो हमारा URL है वो रिसोर्स है, तो हम इसको हटा देते हैं। और स्टार स्टार का मतलब है आगे जो भी URL है resource/js जो भी है वो उसे स्टार स्टार हम लगाते हैं, और लोकेशन में रिसोर्स फोल्डर ही रहने देते हैं, और ये जो उनका पाथ है उसे हम हटा देते हैं। ओके, इसी तरह हमने यहाँ MVC रिसोर्स की मैपिंग हमने कर दी है। तो हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, तो हम इस हमारे एप्लीकेशन को सर्वर पर रन करते हैं। राइट क्लिक करके रन एज, रन ऑन सर्वर, तो इसी तरह हमने बटन को, इस इनपुट को, बटन के इनपुट के लिए, इस हेडर के लिए CSS अप्लाई की थी, तो वो अप्लाई हो गई है, और इमेज भी यहाँ अपलोड हो गई है। तो हम इस पर क्लिक करने पर जो जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो हमने मैसेज में वेलकम स्टूडेंट लिखा था वो भी यहाँ रन हो गया है। ओके, इसी तरह हम इसी तरह CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेज हम Eclipse में स्प्रिंग MUC प्रोजेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं।